हाइकोर्ट गुरुवार दिन बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पुओ आर्यन खान को अक्टूबर 3 रे मुंबई उपकूलवर्ती एक क्रूज जहाजरे ड्रग्स बस मामला रे गिरफ हेबार 3 सप्ताह पर जमीन प्रदान करिसेंति। जस्टिस एन डब्ल्यू सांब्रे एकक बेंच तांको सह अभियुक्त अरबाज मर्चांट एवं मुनमुन धामेचा को मध्य जमीन प्रदान करिसेंति। समस्त तीनोटी निवेदन अनुमति प्राप्त। आसंता काली संध्या सुधा मु विस्तृत निर्देश देबी बोली जस्टिस सांब्रे कहिसेंति। तेबे अभियुक्तंकु आज रातिरे जेल रूम मुक्त कराजिबो नाही। एचसी सुनानी समय रे आर्यन को जामीन आवेदन को विरोध करी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी परामर्शदाता एएसजी अनिल सिंह कहिसेंति जे आवेदनकारी आर्यन खान प्रथम ग्राहक नुहंती। बरं गत 2 वर्ष धरि ड्रग्सर नियमित ग्राहक से आहुरी मध्य सूचाइ देइछन्ति जे आर्यन को निषेधादेशर सचेतन अधिकार मिलिछि। एपरि एक मामला अछि जे जणे व्यक्ति हुए त ड्रग खाइ न थांते किंतु जदि से एहार अधिकार अछि तेबे तांकु एनडीपीएस आक्ट अनुजाई बुक करा जाय परिबो। अभियुक्त आर्यन को निषेधादेशर चेतावनी मिलिथिला। तेबे एहाकु नै तांकर ओकिल कोण कहिसेंति आसंतु सुनिबा। दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। बुधवार सह अभियुक्त तथा आर्यन का बंधु अरबाज मर्चांट का प्रतिनिधित्व करुथबा सीनियर एडवोकेट अमित देसाई जस्टिस नितिन डब्ल्यू सांब्रे एकक जज बेंच आगे जुक्ति बाढ़ी जे एहि मामलें एनसीबी गिरफ हेबा बेआईन कारण एजेन्सी विभाग अनुजाई प्रक्रिया पालन करिबारे विफल होइछि। क्राइम ब्रांच कोर्ट सीआरपीसी 41A जहां गिरफ अधिकारी को गिरफ पूर्व नोटिस जारी करने को निर्देश दे था। देश हाइकोर्टर पूर्व राय एवं भारतीय प्रमाण आईन धारा अनुजाई व्हाट्सएप चैट कोर्टे ग्रहणीय नुहे बोली देसाई मध्य जुक्ति बाढ़ी।